चलिए भाई देखिए, तो आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली क्वाड्रिलेटरल, जिसकी बेटा कोई सी भी कैसी भी शेप हो सकती है, लाइक दिस, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा टूटा टाटा सा, है ना, ऐसे कैसे भी कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए फोर साइडेड, लिखना नहीं अभी, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। बस क्वाड्रिलेटरल की यही डेफिनेशन और कुछ नहीं। अब बात आती है कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट। क्या ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है? बिल्कुल है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। सबकी कितनी कितनी साइड्स हैं, चार चार है, और सारे ही बंद हैं, क्लोज्ड हैं, तो सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। लेकिन उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से उनके अलग अलग नाम पड़े, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस। आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। मैं एक जगह तो आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि प्रूविंग कौन सी करनी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी है। प्रॉपर्टी बहुत सारी है स्क्वायर की, लेकिन उसमें से जब प्रूव करेंगे तो दो या तीन ही लगेंगी, समझ रहे हैं? तो प्रूव करने वालियों के आगे मैं टिक लगा दूंगा जो प्रूव करने में हेल्प करेंगी आपकी, और बाकी आपको जाननी सारी है लेकिन प्रॉपर्टी। तो चालू करें। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है ट्रेपेजियम। आप इसकी हेडिंग बाद में डाल लीजिएगा आराम से, पहले इसको पूरा समझेंगे और बाद में ही लिखेंगे आप, बस पहले समझने पर ध्यान देंगे। पहला जो हमारे पास आता है क्वाड्रेटर में वो आता है ट्रेपेजियम। सुनने पर ध्यान देना, ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके की शेप होती है बेटा। ट्रेपेजियम की बच्चों, ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, एबीसीडी के पैरेलल। तो बेटा ट्रेपेजियम की पहली प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। बेटा पेयर लगा है, पेयर का मतलब सिंगुलर में ही आता है, जैसे कहते हैं ना पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब आपने दो जोड़ी थोड़ी खरीदी है, एक जोड़ी खरीदी है, पेयर का मतलब क्या, पैरेलल। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक पेयर, या तो ये वाले या ये वाले, अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ट्रेपेजियम होगा। दूसरा बेटा मैं इसमें आपको एरिया के फॉर्मूले भी लिखाता चलूंगा, क्योंकि वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपके लिए जरूरी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप पूरा नाम लिखना, मैंने 11 ग्राम लिख दिया है, वैसे पैरेललोग्राम जो था किताबों में मैंने कहीं कहीं देखा है, ऐसे भी लिखा रहता है, लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओ सॉरी ट्रेपेजियम, मैंने पैरेललोग्राम डाली क्यों दिया, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चल रहा है ना, पैरेललोग्राम गलती से लिख दिया है बेटा। ट्रेपेजियम होता है हाफ पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेपेजियम है, इसमें मैंने एक हाइट डाली ए डी ई जो कि बेस ए बी पर पड़ी है, तो बेटा हाफ सम ऑफ टू पैरेलल मतलब ए बी प्लस और बेटा हाइट की जगह क्या हो जाएगा, डी। किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का पैरेललोग्राम की चीज समझ में आ गई, एक और हाँ ट्रेपेजियम। पता नहीं क्यों पैरेललोग्राम बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है आज, सॉरी बच्चों आप भी ध्यान देना थोड़ा, ट्रेपेजियम चल रहा है बेटा। इसमें एक तरीके का ट्रेपेजियम और आता है, मैं पहले उसके बारे में भी बताना चाहूंगा आपको, आराम से समझें। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, आपने अभी तक आइसोसेल्स ट्राइंगल सुना होगा, ये नई चीज है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, सही है, इसका सब टॉपिक मान लीजिए। आइसोसेल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या कहते हैं, अगर इसमें एडी बीसी के इक्वल हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल,
सॉरी इफ और लगा लीजिए, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेल्स ट्रेपेज़ियम, इट इज एन आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रेपेज़ियम ट्रेपेज़ियम। क्या सबको समझ में आ गई? यस सर। आगे जाके इसका बहुत यूज है। एक क्वेश्चन आएगा, आई थिंक 8th क्वेश्चन है, नाम कुछ ऐसे ही याद है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, आइसोसेल्स ट्रेपेज़ियम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सीधे पेज पे एनसीईआरटी पे। आइसोसेल्स ट्रेपेज़ियम सब बच्चों को समझ में आ गया? पक्का ये होता है बेटा। ट्रेपेज़ियम के बारे में इतनी कहानी थी, लिखी है। अच्छा एक बात और, वो तो मैं भूल ही गया इंपॉर्टेंट, प्रूविंग में कौन सा लेना है, ये तो प्रॉपर्टीज है, वैसे तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है और एक ही प्रूविंग में लेनी पड़ेगी। अगर आपको आगे जाकर जब ट्रेपेजियम प्रूव करना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, प्रूव करिए, तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल में क्या दिखाना पड़ेगा? कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड की कैसी दिखा देनी है? आपने अगर पैरेलल दिखा दी तो वो क्या हो जाएगा? तो बेटा इस पे मैं टिक लगा रहा हूं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी दिखाते ही वो ट्रेपेजियम बन जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आराम से। देखिए भाई दूसरा फिगर आता है पैरेललोग्राम, सार्थक पैरेललोग्राम, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं और नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये सबका बेस रखेगा। यहां से देखो बेटा, पहली चीज तो पैरेललोग्राम के तीन कंडीशंस बनती हैं, ध्यान से देखते जाना। यही शेप होती है, मैं आपको ब्रीफ में ही समझा दूंगा इसको एकदम। ये तीनों मैंने क्या बनाए हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अलग अलग है, इसीलिए तीन बार बनाए गए हैं। हाँ जी बच्चों, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कोई ये मत कहना सर ये मुझे रेक्टेंगल सा लग रहा है, बनाने में दिख सकता है लेकिन है तीनों पैरेललोग्राम। अब सुनिए अनमोल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की, ध्यान से सुने, किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, सॉरी बोथ पेयर, वन नहीं बोथ पेयर, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स की इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम, ठीक। एबीडीसी के इक्वल है एडीबीसी के, दोनों पेयर अपोजिट साइड इक्वल हो गए ना दोनों पेयर, तो बेटा ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? तीसरी कंडीशन, अगर बोथ पेयर नहीं ले रहे हैं, आप एक ही पेयर ले रहे हैं तो एक ही पेयर में ये इसके इक्वल भी होना चाहिए और इसके parallel. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? पैरेलल। बेटा पैरेललोग्राम की तीनों कंडीशन याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, अगर दो पेयर ले रहे हो तो दोनों इक्वल होनी चाहिए तो पैरेललोग्राम, अगर बोथ पेयर पैरेलल हो जाए, ये इसके पैरेलल ये इसके, तो भी पैरेललोग्राम, और अगर एक ही पेयर ले रहे हो सेम तो ये इसके इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। अब एक बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया, सर ऐसा कुछ खेल भी हो सकता है क्या कि जैसे ये तो इक्वल और इन्हें पैरेलल कर दूं? नहीं भैया, सेम पेयर बोल रहा हूं, सेम, इसमें ये नहीं कि सर हमने इक्वल इसमें लगा लिया था और पैरेलल इसमें लगा लिया था, दिमाग से पैदल हो क्या? यही इक्वल और यही पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेलल। चलो अब देखो बेटा, अब ये तीनों कंडीशंस में आपको लिखा रहा हूं और एक बात और सुनिए, इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा आपसे कि बेटा ये तीनों करनी है, कोई सी भी एक, समझ गए? Yes, कर देंगे क्वेश्चंस में और समझ में आएगा कैसे करते हैं, लेकिन कोई सी भी एक। अब ना पॉइंट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो बेटा इंटरनल प्रॉपर्टी है उसकी, लेकिन प्रूविंग के लिए क्या करना है वो बता रहा हूं। मैंने कहा ना ऐसे तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर से दोनों का सम 180 होता है, अपोजिट साइड इक्वल, ये तो है लेकिन प्रूविंग के लिए क्या करना है वो बता रहा हूं पहले। चलिए लिखिए, वो सुन लीजिए, बोथ पेयर, या सुन तो आपने लिए, समझ तो आपने लिए, लिखना चालू करिए, फिगर बनाइए अच्छा सा। बोथ पेयर ऑफ, बात नहीं करेंगे लेकिन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन।
अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दोनों अपोजिट साइड के पेयर को या तो इक्वल कर दीजिए, या फिर दूसरी कंडीशन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलो तीसरी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, दोनों ही होनी चाहिए, पैरेलल भी और इक्वल भी, अगर वन पेयर ले रहे हैं सिर्फ। तो ये समझ में आ गई, इन तीनों के आगे मैं टिक करूंगा बेटा, क्यों, तीनों नहीं करनी है लेकिन इन तीनों में से कोई सी भी एक करनी है, ये प्रूविंग के लिए, इसीलिए मैंने टिक किया इनके आगे। बाकी अब पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो आप लिख सकते हैं और वो मैं आपको लिखा रहा हूं। अब सुनिए मेरी बात, प्लीज थोड़ा लिखना बंद कर दीजिए, एक बात और सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डायग्नल्स की, हमेशा हमेशा पैरेललोग्राम के डायग्नल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायग्नल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। चलो अब लिख लो, ऐसे ही सुनने के बाद लिख लिया करो, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, यस बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब आप समझ लेना, उल्टा सीधा नहीं करना, OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, देख लेना कौन सा किसके इक्वल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा। हिमांग समझ में आ रहा है? जी सॉरी, स्क्वायर में और बढ़ जाती है, 90 डिग्री पर भी करेगा यहाँ, ये नहीं करेगा, चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल 90, प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, फिगर चेंज होते चले जाएंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, मुझे इसके आगे भी टिक लगाना पड़ेगा, कुछ बच्चे कहेंगे क्यों, ये भी, हाँ ये भी, कैसे, अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स को बाइसेक्ट करा दो, ये प्रूफ अगर आप कर दो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ करने के यूज आती है, काम में आती है, इसलिए टिक लगा दिया है मैंने, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कैसे काम आती है। चलो जी पांचवा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बहुत बढ़िया, ठीक, जैसे किसी पैरेललोग्राम को सही कर देता हूं मैं, थोड़ा ये सीधा सीधा सा बन गया है, फिर फिगर में दिखाता हूं कैसे, ये देखिए पैरेललोग्राम है एबीसीडी बेटा, ये मैंने यहां से इस पे हाइट डाल दी, तो इसके हिसाब से बेस क्या है बच्चों, एबी, और हाइट क्या है बी, ये लीजिए, हाइट जिस पर पड़ी होती है वो बेस होता है, ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। सर ऐसे तो एई पे भी हाइट पड़ी हुई है, एई पे हाइट पड़ी हुई है, तो एई तो खुद एई पे, अच्छा तो बेटा एई बोलो या एबी बोलो, बात तो एक ही है, दोनों पे पड़ी है, है ना, तो अब आपको यहाँ पर पूरी एबी, लेकिन बेस बेटा पूरा लिया जाता है लास्ट तक जो लिखा है ना, इसी सभी बच्चे लिखेंगे। अब ये एक नंबर में काम आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कभी कभी तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू डैश भरो एक नंबर में, कभी कभी क्या है बेस दे देगा, हाइट दे देगा, कहेगा एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे कोई भी, एक एक फॉर्मूला एक एक लाइन सारी काम की है, ये प्रूविंग के लिए काम आएगी और ये फाइंड करने के एक एक नंबर के क्वेश्चनों में काम आएगी, सारी चीजें ध्यान से लिखें। अच्छा सर और क्या प्रॉपर्टी होती है सर पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर प्रॉपर्टी से 2 मिनट के अंदर प्रूफ कर सकते हैं हम, इनको कराऊंगा मैं आपको, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल, फिगर में दिखा देता हूं,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी सही है बेटा आनंद ऐसे होता है ठीक है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इक्वल लेकिन ये मैं लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ये यहां पे आ चुकी है ये रही अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं पैरेलल ठीक है ये सब आ चुका है ये लिखा नहीं रहा हूं अपोजिट एंगल हो गया डायगोनल्स के बारे में हो गया बच्चों एरिया का फॉर्मूला हो गया पैरेललोग्राम की तीन डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गई केसेस हो गए पैरेललोग्राम खत्म हो गया नोट कर लीजिए हाँ बेटा रेक्टेंगल तीसरा टॉपिक yes, देखे जरा सबने लिख लिया होगा फिगर को मत जाना थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो तो अपने आप सही कर लेना ड्राइंग का टीचर नहीं हूं मैं जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ ड्राइंग मिलेगी फिर भी 10 साल में पढ़ा पढ़ा के थोड़ी बहुत हो गई है नहीं तो पहले ढंग से सर्कल नहीं बनता था मेरे से गोला ई गोला अब रहने लायक नहीं था देखो बहुत से तो निकल लो यहाँ चलो भैया रेक्टेंगल देखे सर रेक्टेंगल प्रूफ करने की प्रॉपर्टी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स कैसी हैं इक्वल और उसमें अगर एक एंगल भी 90 आ गया तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल ठीक है अब मेरी एक बात सुनिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है अब एक बच्चे ने सोचा सर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम तो आप सीधी सीधी भाषा में बात करो ना कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा सही जोड़ रहा हूं ना मैं चीज को yes, तो बेटा पहली प्रॉपर्टी इफ जो आपको प्रूव करनी है If one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. बहुत बढ़िया दूसरी प्रॉपर्टी देखें एक क्वेश्चन आएगा उसमें यह लगेगी दूसरी वाली पहले लिखना बंद करें सुने पहले किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स अगर 90 हो जाए चारों तो भी वो क्या बन जाएगा किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल्स या 90 आ गए ना तो ये क्या बन जाएगा इफ ऑल द एंगल्स ऑफ हाँ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम मत लेना क्योंकि पैरेललोग्राम का तो एक भी हो गया तो भी हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं खाली क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द ऑल आर हां If all the angles of a quadrilateral are 90 degree, then तो भी बेटा ये रेक्टेंगल हो जाएगा ठीक है दूसरी बेटा टिक लगा रहा हूँ दोनों क्योंकि प्रूफ करने के काम में आती है लिखो बाद में सुनते नहीं हूँ आप लोग पहले समझ लो बाद में लिखना कहाँ की जल्दी है तुमको ठीक दो प्रॉपर्टी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी सुनिए हाँ भाई बोथ पेयर Of opposite sides are equal. Of opposite sides of a rectangle. एक rectangle के दोनों जो pair होते हैं opposite sides के वो कैसे होते हैं? Are equal. और parallel. Good. बेटा equal भी होते हैं और parallel भी होते हैं. ये prove करने के लिए नहीं जरूरत है आपको. सिर्फ आपको मालूम होनी चाहिए. समझ गए? भैया चौथी property. डायगोनल्स के बारे में डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल और बेटा ये सिर्फ मैं लिखा नहीं रहा हूं अभी इनके सबके प्रूफ आएंगे कराऊंगा मैं सबके प्रूफ कराऊंगा कैसे इक्वल होते हैं साइड एंगल साइड से होते हैं फिलहाल मैंने तो देख लिए मैं आपको समझा दूंगा बाद में कैसे ठीक अभी समझा देता हूँ दो मिनट में देखो ये वाला ट्राइंगल ले लो yes, और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो ये दोनों नीचे के yes, बेटा ये साइड इसके इक्वल yes, ये कॉमन yes, और यहाँ पे बेटा 90 होता ही होता है yes, तो साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए तो बीडी एसी के ऐसे ही ओरली भी हो जाएगा अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी ढंग से मास्टरी कर लिया सीख लिया तो डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया एक लाइन और बता देता हूँ
डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, एक चीज और रह गई, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा बाइसेक्ट भी करते हैं, पता है कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं खुद इनकी प्रॉपर्टी भूल जाता हूँ, मैंने पता क्यों नहीं लिखाई थी, मैं खुद भूल गया था कि बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन इनको निकाल लेता हूँ मैं मन में ही, दो मिनट में आपको सिखाता हूँ मैं, देखना मजा आएगा। ये दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये वाला एंगल सिर्फ इतना एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल अपोजिट साइड होती है, और इतना एंगल इसके इक्वल एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स। तो बेटा OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल बाय CP CD। अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो बाइसेक्ट ईच अदर निकालना आना चाहिए। कितना याद करोगे, मैं खुद भूल जाता हूँ बाइसेक्ट करते ही, लेकिन अभी जब मैं ऐसे देख रहा था ना तो यही देख रहा था। निकाल लो दो मिनट के अंदर, मन में ही निकाल लो, और ये जिस दिन आ गया ना ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी से ही सब निकाल जाओगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी सर, ये आपको याद करनी है, पता होनी चाहिए, मतलब बस प्रूविंग के लिए इसकी अभी फिलहाल में जरूरत नहीं। चलिए सर पांचवी, बेटा आनंद आपके बगल वाले दोस्त विकास से मैं कुछ पूछना चाहूंगा, और सिर्फ विकास बोले नहीं तो दूसरे का विकास बंद कर दूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एल इंटू, सही हो, इतना घबरा क्यों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा ना कुछ बुद्धू ऐसे भी बैठते हो ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता होता, और इंटू साइड इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर पता होनी चाहिए, पहले लोग आम की तरह ही होते हैं, पता होनी चाहिए। तो बेटा रेक्टेंगल को प्रूव करने का दो प्रॉपर्टी मिल गई हमारे पास, अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए तो भी, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 हो जाए तो भी, ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। सबको समझ आया? अब किसी बच्चे ने कहा कि सर पैरेललोग्राम और इसमें फिर फर्क क्या रहा, थोड़ा सा प्रूविंग वाले बताओ। पैरेललोग्राम में ये फर्क रहा कि सिर्फ अपोजिट साइड या तो पैरेलल हो या इक्वल हो, लेकिन बेटा रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी बढ़ गई भाई। जैसे ही पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 और हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल। समझ रहे हैं ना, कन्वर्ट करना सीखिए। तो इसीलिए ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फर्क आया जिसकी वजह से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल से डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर तो वो पैरेललोग्राम बन गया। यस सर, और उसपे रेक्टेंगल एक एंगल करा दो उसमें 90 तो क्या बन गया वो? रेक्टेंगल। बस घूम करके तो तुम मन पे आ गए ना, मैं बोल रहा हूँ एक पैरेललोग्राम के एक एंगल 90 होना चाहिए, तो आप पैरेललोग्राम भी प्रूफ करोगे, वो आपको देगा नहीं, पैरेललोग्राम भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बता दी जिसमें से एक इन्होंने लगा ली अभी तुरंत, है ना। गुड, बहुत बढ़िया, कनेक्ट कर पा रहे हो आप इसको। लिखिए, रेक्टेंगल खत्म हो गया, लिखिए।